नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल परेश जैन में स्वागत है। आज का जो विषय है वो है ममता प्रेम नहीं है, यानी कि ममता का जो भाव है वो वास्तविकता में प्रेम नहीं है, पर लोगों को लगता है कि ममता का जो भाव है वो वास्तविक प्रेम है। इस विषय पे हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब भी किसी पुरुष को किसी महिला के साथ प्रेम होता है तो उसमें जो भाव जगता है वो है मैं का भाव जगता है, मैं यानी कि अहंकार। और स्त्री को जब किसी पुरुष के साथ प्रेम होता है तो उसमें जो भाव पैदा होता है वो है मेरा का भाव, मेरा यानी कि ममता, ममता यानी कि मोह का भाव पैदा होता है। दोस्तों, ये बात बहुत ही नॉर्मल है। जब भी आप किसी से प्रेम में होते हो तो पुरुष के लिए मैं यानी कि अहंकार का भाव का जन्म होना बहुत ही स्वाभाविक है और महिला के लिए मेरा यानी कि ममता का भाव उत्पन्न होना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन वास्तविक प्रेम जो है वो मैं और मेरा, इस दोनों भाव के परे है, तभी वास्तविक प्रेम हो सकता है। शुरुआती तौर पे अगर आपको किसी महिला से प्रेम हो जाता है या किसी महिला को आपसे प्रेम हो जाता है तो उस वक्त अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो उन दोनों के बीच में मैं और मेरा का भाव नहीं होता है, वास्तविक प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है उस वक्त उन दोनों के बीच में। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है, तो सबसे पहले प्रेमी जो है प्रेमी की हत्या हो जाती है, प्रेमी मर जाता है और वहां पति पैदा हो जाता है। और उसी तरह पत्नी जो है पत्नी पैदा हो जाती है और उसके जो प्रेमिका है उसकी हत्या हो जाती है। मतलब शादी होते ही पति पैदा हो जाता है और पत्नी पैदा हो जाती है, प्रेमी मर जाता है और प्रेमिका की मृत्यु हो जाती है। और जिस वक्त ये घटना घटती है कि पति पैदा हो जाता है तो पति के साथ साथ मैं का भाव, अहंकार का भाव भी पैदा हो जाता है। वो हर वस्तुओं पे, हर चीज पे अपनी मालकियत जमाना शुरू कर देता है, मैं यानी कि अहंकार। वो हर जगह पे अपनी मौजूदगी को बताना शुरू कर देता है, हर चीज उसे हर वस्तु में मैं दिखेगा, अहंकार दे, मुझे पूछ के ये करो, मुझे पूछ के ये लाओ, मुझे तुमने पूछा क्यों नहीं, तुम भी मेरी हो। ये जो मैं का जो भाव है, पुरुष का अहंकार का भाव जो है उससे पैदा हो जाता है और प्रेम जो है वहीं पे खत्म हो जाता है। उसी तरीके से स्त्रियों में मेरा का भाव उत्पन्न होता है। स्त्रियां अक्सर घर मेरा है, एक छोटा सा उदाहरण भी देता हूँ कि अक्सर हम यही कहते हैं कि मेरी घरवाली है। आपने कभी ये सुना कि मेरा घरवाला है? हम अक्सर यही कहते हैं मेरी घरवाली है। तो मेरी घरवाली मतलब जो मेरा का भाव जो है वो स्त्रियों में ज्यादा होता है। वो घर को मेरा कहती है, पति को मेरा कहती है, बच्चों को मेरा कहती है, हर चीज से उसका जो है मोह जुड़ा होता है, उसका ममता जुड़ी होती है। और ये ममता ही जो होती है जब पैदा होती है तभी प्रेम की हत्या हो जाती है। प्रेम की जैसे ही हत्या होती है ममता शुरू होती है और हमको ये लगता है कि ममता जो है प्रेम का उच्चतम प्रकार है और इससे बड़ा तो कोई प्रेम का भाव हो ही नहीं सकता। ये एक दुर्भाग्य है कि हम इसे गलत समझ देते हैं। ममता का भाव का पैदा होना ही आपको समझ लेना चाहिए कि प्रेम की वहां पे निर्ममता से हत्या हो चुकी है, और मैं के भाव का पैदा होना ही, अहंकार का पैदा होना ही, मतलब प्रेम की समाप्ति वहां पे हो चुकी है, समझना बहुत जरूरी है। अब इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करेंगे। सुकरात के साथ एक घटना घटी। सुकरात जब अपने शिष्यों के साथ में बैठ के चर्चा करते थे तब उस वक्त वो उस चर्चा में इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनकी पत्नी उनके पास बैठी हुई है। पत्नी को ये देख के बहुत ईर्ष्या होती थी कि जब भी वो अपने शिष्यों के साथ चर्चा करते तो उन्हें समझ में नहीं आता कि उनकी पत्नी भी वहां पे है, और वो पूरे लीन हो जाते थे, उन्हें पता ही नहीं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। और अक्सर ये सभी पुरुषों के साथ में होता है। कई बार कुछ पुरुषों को किताब पढ़ने का शौक है तो स्त्री अक्सर आके उसके हाथ से किताब छीन लेती है और फेंक देती है। कई बार कोई पुरुष अगर म्यूजिक सुन रहा है तो स्त्री आके म्यूजिक बंद करा देती है। ऐसी घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं जीवन में घटती है। पर क्यों घटती है? क्योंकि उसे जो होता है अपने पति से बहुत मोह होता है, मेरा का भाव होता है। उसमें उसे लगता है कि मेरे होते हुए मेरा पति मुझे भूल कैसे सकता है, शिष्यों के साथ चर्चा में इतना कैसे लीन हो सकता है कि उसे मैं भी याद नहीं। ये ममता का भाव है। तो उसने एक दिन गुस्से में आके एक केतली में गर्म पानी भर के गर्म पानी पूरा जो है सुकरात के ऊपर डाल दिया और उससे उसका पूरा चेहरा जल गया। जितने शिष्य थे उसके वो सारे भौचक्के रह गए इस दृश्य को देख के, और उन्होंने सुकरात से पूछा
कि अब आप क्या सोचते हो, आपका क्या कहना है इस बारे में। तो सुकरात ने बड़ी ही विनम्रता से एक बात कही और बात बहुत महत्व की बात है। सुकरात ने कहा कि मैं जानता हूं मेरी पत्नी की तकलीफ क्या है, मैं जानता हूं कि मेरे पत्नी के दिल में इस वक्त क्या भाव है, मेरे पत्नी के मन में मेरे लिए मोह है, ममता का भाव है, इसलिए उसे ईर्ष्या हो रही है कि मैं तुम्हारे साथ इस वक्त डिबेट करने में, इस वक्त चर्चा करने में इतना मशगूल हो गया हूँ। तो उसे उसकी मौजूदगी, उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे उसकी मौजूदगी दिखाई नहीं पड़ रही है, इस भाव से उसे ईर्ष्या हो गई है। तो उसने जो कुछ भी किया कोई बात नहीं, ईर्ष्या के रहते किया, ममता के रहते किया, लेकिन मैं जरा भी उस पर नाराज नहीं हूं, मुझे उस पर जरा भी गुस्सा नहीं है। तो शिष्यों ने पूछा कि आपको उस पर गुस्सा क्यों नहीं है। तो उसने कहा कि उसमें ममता का मोह था, तो मुझे उसने जो कुछ भी किया मैं समझ सकता हूँ, मैं उसकी पीड़ा समझ सकता हूँ, मैं उसके प्रेम के दर्द को समझ सकता हूँ, जो कुछ भी किया उसने ईर्ष्या के रहते, जलन के रहते किया, और मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना। दोस्तों, प्रेम की ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप वास्तविक में किसी से प्रेम करते हो तो आप अपना दर्द तो समझते हो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का दर्द भी आप उतना ही भलीभांति समझ पाते हो, जिस तरीके से सुकरात ने अपनी पत्नी का दर्द समझा। ये प्रेम की बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। दोस्तों, जब भी आप किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम का एक मूल स्वभाव होता है कि प्रेम जो है वो सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता। प्रेम जो है वो बादशाहत है, प्रेम जो है वो बादशाहत है, और ममता जो है वो ये आप समझिए कि एक तरीके की गुलामी है, एक तरीके की आप ये सोचिए कि ममता जो है वो हमेशा मांगती ही रहती है। ममता का ये स्वभाव है कि मुझे दो और दो और दो और दो, ममता का जो पेट है कभी भरता ही नहीं है। और प्रेम जो है वो बादशाहत है, बादशाहत, क्योंकि प्रेम दानी है, वो देना ही जानता है, वो लेना नहीं जानता। इस फर्क को समझे, सच्चा प्रेम जो है हमेशा देना ही जानता है, वो दानी होता है, और ममता जो होता है वो हमेशा लोभी होता है, वो हमेशा लेना ही जानता है। उसे आप कितना भी दे दो उसका पेट कभी भरता ही नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आप अपने प्रेम को, बच्चे के प्रेम को माँ बाप से देख लीजिए, माँ बाप का प्रेम अपने बच्चों के प्रति देख लीजिए, पति का प्रेम पत्नी की तरफ, पत्नी का प्रेम पति की तरफ, माँ बाप पत्नी का प्रेम उनके बच्चों की तरफ, सारे जो रिश्ते हैं वो ममता से जुड़े हुए, और जहाँ ममता है उनको और प्रेम चाहिए, उनको और प्रेम चाहिए। इसीलिए इस दुनिया में कभी कोई माँ बाप अपने बच्चों से खुश नहीं है, क्योंकि ममता इतनी है कि उन्हें और प्रेम चाहिए। बच्चों को अपने माँ बाप से प्रेम है, ममता है, तो उन्हें और माँ बाप से प्रेम चाहिए। पति को पत्नी से ममता है, पत्नी को पति से ममता। इतना मोह और मैं का जाल इस संसार में बिछा हुआ है कि कभी किसी को तृप्ति नहीं मिलती है। और जब ऐसा नहीं घटता है तब हम आखिर में आके ये कहते हैं कि प्रेम बहुत ही दुखद घटना है, हम प्रेम को भी गाली दे देते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि प्रेम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम होता है तो मैं का भाव उत्पन्न होने वाला है, जब प्रेम होगा तो मेरा का भाव यानी कि ममता का भाव उत्पन्न होगा, और दोनों ही भाव जब उत्पन्न होते हैं तो रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट हो जाती है और बहुत तकलीफ हो जाती है। तो दोस्तों, अक्सर ये होता है कि सदियों से आदमी जंगल की ओर भागता रहा, प्रेम से भागता रहा कि वहां जाके कोई मनुष्य नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की घटना है। प्रेम का जीवन में ना होना एक बहुत बड़ी घटना है, और प्रेम का घटना ही जीवन में बहुत जरूरी है। प्रेम से ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो दोस्तों, प्रेम से भागना उसका उपाय नहीं है। दोस्तों, इस विषय पे मैं आपको और एक बात कहूंगा कि जो लोग ये समझते हैं कि प्रेम हमेशा दुख लाता है, प्रेम हमेशा तकलीफ लाता है, प्रेम करने से ये होता है वो होता है, तो ये सब बातें जो है बहुत ही व्यर्थ की बात है। प्रेम का जो मूलत स्वभाव है वो है सुख देना ही है, दुख देना प्रेम को आता ही नहीं। पर हमने कभी प्रेम को अच्छे तरीके से समझा ही नहीं है, यही एक वजह है कि हम दुख भोगते हैं और हमें प्रेम भी दुख लगता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि सोना जमीन के नीचे गड़ा हुआ है, सोना जमीन के नीचे गड़ा हुआ है, तो वो सोना जब आप जमीन से निकालोगे तो वो सोना वास्तविक में प्योर सोना नहीं होता है, उसके साथ में कई गंदगियां, कई दूसरे भी खनिज पदार्थ जो है वो सोने के साथ में मौजूद रहते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो सोना नहीं है, वो सोने का शुद्धतम स्वरूप नहीं है, ये कहा जा सकता है। पर आप ये नहीं कह सकते हो क्योंकि दूसरे भी खनिज उसके साथ में जुड़े हुए हैं तो वो सोना नहीं है।
तो सोने को साथ जो दूसरे खनिज पदार्थ है जैसे तांबा है, निकल है, जिंक है, तो सोने को शुद्ध करने के लिए आपको उसे रिफाइन करना पड़ेगा, तभी वो सोना शुद्ध हो पाएगा। दोस्तों उसी तरह प्रेम भी होता है। प्रेम भी जब घटता है तो उसके साथ में दूसरी भी कई बीमारियां उसके साथ में होती है। अहंकार उसके साथ में होता है, मोह साथ में होती है, ममता साथ में होती है, ईर्ष्या साथ में होती है, सभी प्रकार के भाव प्रेम के साथ में उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर इसी सोने में से, इसी प्रेम में से अगर आप इन भावों को अलग कर देंगे जिसकी वजह से दुख और तकलीफ होती है, तो पीछे जो बचेगा वो शुद्ध सोना बचेगा, शुद्ध प्रेम बचेगा। और इसीलिए फिर एक बार कहता हूँ कि जीवन में कभी प्रेम से ना भागे। प्रेम कभी दुख दे ही नहीं सकता, प्रेम हमेशा सुख ही देता है। प्रेम बादशाहियत का एक उदाहरण है, बादशाहियत का उदाहरण प्रेम है। और मोह ममता ये जो सारी बातें हैं, ईर्ष्या, जेलेसी, इनसिक्योरिटी, ये जो है प्रेम के दुश्मन है। इनको अगर आप प्रेम से अलग कर दोगे तो प्रेम शुद्ध सोना है, प्रेम से शुद्ध सोना कोई हो नहीं सकता, और प्रेम से बड़ा सुख इस जीवन में और कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।